तो हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई लोग, अब ये जो गाड़ी की सर्विस होने वाली है, दिस वन विल बी द 50,000 वाली सर्विस। तो अब एक बारी चलते हैं, पहले सामान इकट्ठा करते हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ इंजन ऑयल लूँगा और ऑयल फिल्टर लूँगा, क्योंकि एयर फिल्टर तो क्लीन हो ही जाता है, वो मैंने नया डलवाया था वैसे भी एक साल पहले ही, बार बार चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली ये देखना कि हुंडई के सर्विस सेंटर वाले और जो बाहर से मैकेनिक से काम करवाते हैं कितना फ़र्क है, और चीज़ें सब सेम करवाऊंगा मैं जो सर्विस सेंटर पे होती है और जो मैकेनिक करेगा। तो लेट्स सी कि कितना डिफरेंस आता है, हालांकि लास्ट टाइम तो बहुत आया था। तो अब एक बार इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर ले लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो गाइस, इंजन ऑयल ले लिया मैंने एंड ऑयल फिल्टर भी ले लिया है। इंजन ऑयल कुछ कॉस्ट करा है 1900 का, ऑयल फिल्टर ऑलमोस्ट उतने में ही, मतलब 1900 में इंक्लूड कर दिया उन्होंने। अभी यार डिपेंड करता है कि आप किसी नोन से अगर ले रहे हो चीज़ें तो डिस्काउंट मिल जाता है। 100 रुपये का मुझे एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि कूपन होता है ना जो ऑयल के ऊपर ढक्कन पे लगा होता है, वो मैंने वहीं दे दिया था उनको। तो ये रखा है इंजन ऑयल रखा हुआ और ऑयल फिल्टर रखा हुआ है। अब सीधा चलते हैं मैकेनिक के पास। सो गाइज, सर्विसिंग तो हो चुकी है हमारी। उस टाइम पे मैं शूट ही नहीं कर पाया, बट एक दो क्लिप्स आप पुराने वाली वीडियो की देख लो, शॉट डलेगा इसमें। ज़्यादा गंदी लग रही है क्या थ्रॉटल बॉडी? देखना भैया, ज़्यादा गंदी लग रही है। तो काफ़ी खोल दो फिर, साफ कर दो फिर। हाँ जी, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा खर्चा आया है वो इंजन ऑयल डलने का 100 रुपये की लेबर कॉस्ट लगी है, और जो थ्रॉटल बॉडी है ना वो मैंने स्प्रे वगैरह से साफ़ करवाई है तो उसके 100 रुपये लगे हैं। तो सिर्फ 200 रुपये लेबर लगी है, और 1900 का मेरा तेल वगैरह आया था, तो 1900 प्लस 200 2100 रुपये में भाई काम बढ़िया हो चुका है एकदम। और जो सर्विस सेंटर वालों ने बताया था मुझे, वो बताया था 7500 प्लस GST। तो भाई साहब देख लो कितना फ़र्क है, मतलब 7500 प्लस GST आपका जाके पड़ता है कुछ 8800 रुपये, अगर मतलब 18% लगा रहे हैं उतना ही लगता है। तो मतलब देख लो यार कितना फ़र्क है, 6000 रुपये बच गए ऑलमोस्ट। तो भाई बाहर मैकेनिक्स पे जाया करो और पैसे बचाओ, 50,000 वाली सर्विस हो चुकी है अपनी। तो यही है भाई, थोड़ा सा मार्केट में घूम लिया करो। और इसमें मेरे स्पार्क प्लग अभी उन्होंने क्लीन कर दिया, बट कह रहे कि चेंज करवा लेना 2000-3000 रुपये, तो 500 रुपये उसके भी लगा लो। 2100-2500 रुपये में भाई सब कुछ भी बुरा नहीं है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी मेरे को ह्यूंडई वालों ने, कि आपकी यही चीज़ें हम चेंज करेंगे, मतलब जो उन्होंने मुझे लिस्टिंग दी थी मैंने उसके हिसाब से करवाई है सारी चीज़ें। तो देख लो कितना फ़र्क है। सो गाइज देख लो, दैट्स हाउ यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी वाइल सर्विसिंग एंड ऑल। अब इसमें ना एक चीज़ एडिशनल लिखी थी उन्होंने कि ब्रेक पैड्स को क्लीन करेंगे। तो आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने डिस्क टर्न करवाई थी अपनी कार की, तो उसी में मेरे सारे ब्रेक पैड्स क्लीन हो गए थे और टाइटनिंग ऑफ बोल्ट्स। तो भाई पता नहीं, हज़ारों बोल्ट होते हैं गाड़ी में, वो सारे बोल्ट तो टाइट करते नहीं, इंजन माउंट के कर दिए, थोड़े बहुत कैलिपर्स के हो गए। तो ये बेसिक चीज़ें होती है, वो टाइम टू टाइम अपने आप ही वैसे भी आप चेक करवा सकते हो कहीं से भी, उसमें कोई ज़्यादा 100-200 रुपये लगते हैं सिर्फ। तो बचा सकते हो यार पैसे थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे 3-4 घंटे की। तो बाकी अगर वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे। थोड़ा लेट हो जाता हूँ यार, बट I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game.